नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मनदीप देशवाल है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई घर पर ठीक ठाक कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ एक से लेकर तीन तक आप सब ने क्या सीखा, कितना सीखा, उसी से रिलेटेड ये अभ्यास कार्य है। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, सही शब्द चुनकर बॉक्स में लिखें। तो बच्चों, यहाँ तीन तीन शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण तो सेम है, एक जैसा है, लेकिन उन तीनों शब्दों में से एक शब्द ही शुद्ध है, बाकी दो अशुद्ध शब्द हैं। तो आपको शुद्ध वाला छांट कर यहाँ लिखना है। फर्स्ट है प्रलय। तो हम प्रलय कैसे लिखते हैं बच्चों? तो बच्चों, ये है प्रलय जिसकी मैंने बाउंड्री की है। तो ये है शुद्ध शब्द इन तीनों में से, बाकी दो कैसे हैं? अशुद्ध शब्द। लिखने में प्रलय ऐसे आता है। अगला है पिट्ठी। पिट्ठी हमने कहाँ पढ़ा था? पिट्ठी हमने पढ़ा था पाठ 2 बड़ा में। तो पिट्ठी के लिए सही शब्द ये है। अगला है झुंझलाहट। झुंझलाहट हमने कहाँ पढ़ा था? झुंझलाहट हमने पढ़ा था शेर और चित्रकार में। ये है आपका सही शब्द झुंझलाहट। तो तीनों हमारे शुद्ध शब्द कौन से हो गए? एक तो ये हो गया प्रलय, ऐसे लिखेंगे, पिट्ठी और झुंझलाहट। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है त्र और त्र त्रशूल वर्ण से दो दो शब्द बनाकर लिखें। तो हमें यहाँ दो दो शब्द लिखने हैं इनके, इन वर्णों के। तो ये रहे इनके दो दो शब्द। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता लिखें। तो यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, बड़ा, दाल, आदमी, लड़की। हमें क्या करना है? हमें इन चारों वर्ड्स की एक एक विशेषता लिखनी है। तो सबसे पहले है बड़ा। तो बड़े की क्या विशेषता थी? हमने पढ़ा था ये पार्ट नंबर 2 में। तो बड़ा क्या है? एक स्वादिष्ट पदार्थ है जिसे हम दही के साथ खाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कि दही के साथ खाया जाने वाला स्वादिष्ट पदार्थ। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखते रहें साथ साथ। दूसरा है दाल। तो दाल की विशेषता क्या है? यह कई प्रकार के व्यंजन बनाने में उपयोगी है। यह इसकी दाल की विशेषता है। अगला है आदमी। तो आदमी की विशेषता हम क्या लिखेंगे? संसार का विकास करने वाला प्राणी। अगला है लड़की। लड़की की विशेषता सुंदरता एवं कोमलता की प्रतीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग करके लिखें। तो ये मुहावरे दिए गए हैं आपको यहाँ। आपको इन सब के क्या करने हैं? इनके वाक्य लिखने हैं। तो फर्स्ट है पापड़ बेलना। पापड़ बेलने का मतलब क्या है? विभिन्न तरह के कार्य करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सफलता पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगला है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन कार्य। और इसका वाक्य है, आज के माहौल में चुनाव जीतना टेढ़ी खीर है। अगला है हाथों के तोते उड़ना। हाथों के तोते उड़ना से क्या अभिप्राय है? कि घबरा जाना। तो इसमें हम वाक्य लिखेंगे, जब डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। तो यहां पंक्तियां दी गई हैं, झील के किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? आइए देखें कि झील के किनारे एक नाव खड़ी थी, उसमें एक बांस भी लगा हुआ था। वह बांस नाव चलाने के काम आता है, नाव चलाने में सहायक होता है। चित्रकार ने तुरंत वह नाव पकड़ ली, इसके बाद उसने शेर से बच जाने की खुशी में जी भरकर सांस ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो हमने ये पढ़ा था बच्चों पाठ नंबर 1 में, जय जवान जय किसान में, कि किसान जो है वो अपने परिश्रम के प्रभाव से खेतों में फसलों के रूप में सोना उपजाकर देश के लिए अपना योगदान देता है। इस तरह किसान अपनी कड़ी मेहनत से अनाज उगाता है देशवासियों के लिए, सभी के लिए। नेक्स्ट है
बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? तो हम बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं? बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नून मिर्च मसालों को मिलाने के साथ उसमें कई बार किशमिश, काली मिर्च, गोला तथा गिरियां आदि भी भरी जाती हैं, जिससे वह स्वादिष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया था? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसे उसका चित्र बनाकर देने का लालच दिया। चित्र बनवाते समय जब शेर का ध्यान दूसरी तरफ था, तब चित्रकार वहां से भाग गया। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह अभ्यास कार्य दोहराना है और अगली वीडियो में हम करेंगे पाठ नंबर 4, जिसका नाम है हॉकी का जादूगर। धन्यवाद।